हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दें और टारगेट द मैथ, जहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं हर एक चीज को बहुत ही प्यारे तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाएं। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट टू पढ़ेंगे, है ना। और आपके साथ में अनअकैडमी पर, अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हो, अनअकैडमी प्लस पर, जहां मेरे फाउंडेशन बैच चल रहे हैं, अन्य सभी विषय, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ये सब आपको वहां मिलते हैं। आप जुड़िए आज ही। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आपको जुड़ना है, आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। और जाकर आप देख लेना, अगर आपकी प्राइस अपडेट नहीं हुई है तो अभी ले लेना, अभी आपके पास मौका है साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगाकर अनअकैडमी लर्नर ऐप पर जुड़ने का और सभी कोर्सेस को एक्सेस करने का। मेरा कोर्स फाउंडेशन बैच आपको भी पूरा पूरा मिलेगा, ठीक है। मेरा बैच है बिगनर टू एक्सपर्ट, जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है, लाइक सीईटी, एसएससी, बैंक, डिफेंस, टीचिंग, सभी के लिए। सुबह सुबह हम 9 बजे प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं, है ना। प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ते, टॉपिक वाइज टेस्ट करते हैं, जिसमें टॉपिक प्रॉफिट लॉस चल रहा है। और ये लास्ट सेशन होगा कल, है ना। इसका क्या होगा, लास्ट सेशन होगा प्रॉफिट लॉस का। उसके बाद अगले दिन से क्या शुरू हो जाएगा, रेशो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कल सुबह 9 बजे प्रॉफिट लॉस होगा, उसके बाद अगले दिन से रेशो शुरू हो जाएगा, ठीक है माय डियर। चलिए आगे बात करते हैं। 3 बजे, 3 बजे हम डेली एक मॉक टेस्ट लगाते हैं। और आप सभी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं कहूं तो ये मॉक टेस्ट डेली लगाना है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि आपको सब आता है, तो सब आने में और सीखने में बहुत फर्क है, तो आपको डेली सीखना है, ठीक है। चलिए, ये मेरा टाइम टेबल है। सुबह 9 बजे टॉपिक वाइज PYQ, सुबह 11 बजे टारगेट द मैथ यूट्यूब पर, 12:30 बजे SSC GD का मॉक टेस्ट यूट्यूब पर, 2 बजे आपका फाउंडेशन बैच आपके पेड बैच में, और 3 बजे आपका कैच द मैथ अनअकैडमी पर। तो ये सारी की सारी क्लासेस चलती हैं रेगुलर बेसिस पर। 12:30 बजे हम ये करते हैं GD का मॉक टेस्ट। अब आइए, कल फ्राइडे है और हर फ्राइडे को मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियो लेकर आता हूं, वो भी 5:30, 6:30, 5:30, 6:30। कल फ्राइडे है और ये फ्राइडे को ये शानदार शानदार आपके लिए इवेंट आने वाले हैं। कैसा लगेगा ये आप जरूर मुझे बताएं। ये उत्तरी गोलार्ध और भूमि और जल वाले, जो लैंड और वाटर वाले प्रश्न आते हैं, वो हम करने वाले हैं कल सुबह, मतलब सॉरी कल शाम को 5 बजे। फ्राइडे है ना कल, तो कल फ्राइडे को 5 बजे जरूर लाइव आए और 10 मिनट में कुछ जादू ही सीख जाएं, चलिएगा। और मोमबत्ती कैंडल वाले, उसके साथ साथ वर्गमूल, स्क्वायर रूट वाले प्रश्न हम करने वाले हैं। कितने बजे, 5:30 पर, 5:30 बजे वो होगा इवेंट। उसके बाद तुरंत 5:30 बजे ये होगा, वर्गमूल के जितने भी टाइप बनते हैं, जितने भी, वो सारे होंगे, ठीक है। उसके बाद साधारण और ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले, 6 बजे कौन कौन से प्रश्न होंगे, साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, 2 साल का अंतर, 3 साल का अंतर, वो वाले प्रश्न। और 6:30 बजे आपका होगा कॉइन बेस्ड, सिक्के पर आधारित, कि आपके जेब में कितने रुपए हैं, ये बताऊंगा मैं आपको। तो 4 सेशन लेता हूं, छोटे छोटे लेता हूं, हर फ्राइडे को लेता हूं, आप लोगों को बस उसमें पढ़ना है, जरूर आना है, ठीक है। क्लियर है भाई पूरी प्लानिंग, ठीक है, हाँ पूरी प्लानिंग ओके है। चलिए आइए अब आते हैं आगे की कॉन्सेप्ट पर। हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कंपैरिजन ऑफ रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं आपको सिखाने वाला हूं कंपैरिजन ऑफ रूट्स, यानी कि इनइक्वालिटी भी बोल सकते हैं इसको अपन। ऐसा मानता, ठीक है, इनइक्वालिटी वाले प्रश्न भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपैरिजन यानी कि तुलना करना यानी कि कंपेयर करना आपको आना चाहिए। जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं कि -2 बड़ा है या -1, -7 बड़ा है या +2.5, -9 बड़ा है या 0, -1/2 बड़ा है या -1/3,
माइनस का एक बटे सात बड़ा है या माइनस का एक बटे नौ। तो ऐसे कुछ ना कुछ आपके सामने रूट्स आएंगे, यू हैव टू कंपेयर, आपको क्या करना पड़ेगा, उनको तुलना करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इसमें ये बड़ा, क्योंकि जो नेगेटिव में छोटा होता है वो बड़ा होता है, प्लस वाला तो वैसे ही माइनस से बड़ा होगा, न्यूट्रल भी माइनस से बड़ा होगा। अब एक बटे दो, तो डिनोमिनेटर में अगर मान लीजिए जो भारी है वो छोटा होगा, यानी कि माइनस में जो छोटा है वो बड़ा होगा, माइनस में जो छोटा है वो बड़ा होगा, ठीक है। मतलब जो वन बाई नाइन छोटा है, क्योंकि नीचे नौ है ना, इसलिए ये बड़ा है। तो आपके सामने ये सारे के सारे कंपैरिजन है, जहां पर आपके लिए मैंने आपको सारी की सारी चीजें बता दी। ये एक ही चिन्ह होंगे, पहला वाला अगर आप इसको मान रहे हो तो सभी में दूसरे वाले हमेशा बड़े होने वाले हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये कंपैरिजन का एक पहला पार्ट है। अब ये बोले सर इसमें इनइक्वालिटी कहां से आ गया और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां से आ गया, अब आएगा जब हम रूट्स को निकालेंगे। तो सबसे पहले एक क्विक रिविजन करते हैं QR, क्विक रिविजन करते हैं। क्विक रिवीजन के हिसाब से आप मुझे बताइए, अगर कोई द्विघात समीकरण इस तरह से दे रखा है बराबर जीरो, अगर मान लीजिए यहां पर चिन्ह प्लस है, तो आपके जो रूट्स होंगे उनके चिन्ह आप मुझे बताते जाएं, ठीक है। यहां पर चिन्ह भरते चले जाएं, एक टेबल बना लें छोटी सी। अगर मैंने बोला यहां प्लस है और यहां भी प्लस है, तो उस रूट के चिन्ह क्या होंगे। मैंने बोला यहां प्लस है और यहां माइनस है, तो उस रूट के चिन्ह क्या होंगे। मैंने बोला यहां माइनस है और यहां प्लस है, तो क्या होंगे, और यहां प्लस है और यहां यहां माइनस है और यहां भी माइनस है, तो क्या होंगे। तो आप ये कह सकते हो सर कि अगर यहां प्लस है तो दोनों चिन्ह समान होंगे, और यहां प्लस डोमिनेट कर रहा है तो यहां दोनों जो रूट के चिन्ह होंगे वो नेगेटिव होंगे, यहां पर नेगेटिव होंगे दोनों चिन्ह, ठीक है। अब यहां पर आप बोल सकते हो कि सर प्लस है तो दोनों चिन्ह समान होंगे और यहां नेगेटिव है तो दोनों चिन्ह पॉजिटिव होंगे। यहां अगर नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव पॉजिटिव होंगे, ये कंफर्म है। यहां माइनस आती अलग अलग चिन्ह होते हैं दोनों में, लेकिन यहां प्लस डोमिनेट कर रहा है तो यहां माइनस वाला बड़ा होगा और प्लस वाला छोटा, और यहां माइनस डोमिनेट कर रहा है तो यहां प्लस वाला बड़ा होगा और माइनस वाला छोटा होगा। ये आपके मूल के साइन हो गए रूट्स के, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप साइन हो गए, और हर प्रत्येक साइन के हिसाब से आपको चीजें समझा रहा हूं मैं, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे चलते हैं, अब जो मेन मकसद है वो पूरा करते हैं। ये बैंक एग्जाम में 5 नंबर का आता है, और आजकल रेलवे और एसएससी भी इसमें अपने इंटरेस्ट को जता रहा है, जो जो दो 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 से तीन नंबर के ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। आइएगा, आइए, जो स्पेशल 4 सेशन होने वाले हैं ना, 5, 5:30, 6:30 फ्राइडे को होंगे, यानी कि कल है ना, हाँ ये ध्यान रखना। अब मैं एक प्रश्न आपको दे रहा हूं, आप मुझे जवाब देना, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 48 बराबर 0, वाई स्क्वायर माइनस का 16y प्लस का 63 बराबर 0। अब प्रश्न ये कहता है, इन ऑप्शंस को आप लिख लें। ऑप्शन नंबर ए, क्या x y से बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी, क्या y या x आपका y से छोटा है। ऑप्शन नंबर सी, क्या x आपके y के बराबर या बड़ा है। ऑप्शन नंबर डी, क्या x आपके y से छोटा या बराबर है। और ऑप्शन नंबर ई, क्या x y के बराबर है या फिर कोई रिलेशन नहीं है। नीचे ई ऑप्शन जो है कोई रिलेशन को नहीं दर्शा रहा। इन ऑप्शंस को आप लिख लेना, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस करेंगे अब, ओके चलेगा। अब प्रश्न ये था, अब आपको क्या करना है। सबसे पहले पहला स्टेप, आप x के दो मान निकालें, तो 48 के ऐसे टुकड़े करो कि 14 आ जाए। तो मैंने देखा सर 8 और 6, यहां माइनस डोमिनेट कर रहा है तो यहां दोनों के दोनों चिन्ह प्लस होंगे, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि x के दोनों मूल निकल कर आ गए,
प्लस का 8 और प्लस का 6। अभी तो हम स्टाइल से लिख रहे हैं लेकिन बाद में स्टाइल काम नहीं आती, स्पीड काम आती है और वो मैं आज ही आपको दे दूंगा। स्पीड आओ, 63 के ऐसे टुकड़े करो कि 16 आ जाए। तो बोला सर आपने 9 7 63, यानी कि यहां माइनस डोमिनेट कर रहा है तो वाई के जो वैल्यू होंगी प्लस का 9 और प्लस का 7। अब आता है तुलना करना। प्लीज अब प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बस एक बार समझा दूंगा ना तो सब ठीक हो जाएगा भाई, एक बार समझा दूंगा ना। हाँ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। अब क्या करना है, आपस में कंपेयर कराना है। मैं दोबारा बोलता हूं, आपस में कंपैरिजन कराना है x को y के हर एक वैल्यू से और y को x की हर एक वैल्यू से। मैं दोबारा बोलता हूं, आपस में कंपैरिजन कराना है x को y की हर वैल्यू से। एक बार मन में बोलो सब लोग, x को y की हर वैल्यू से और y को x की प्रत्येक वैल्यू से कंपैरिजन कराना है। चलिए आ जाओ, कैसे कराएंगे। x जाएगा किससे, x ने फोन किया y को, भाई मैं आ रहा हूं कंपेयर करने। तो y ने कहा आओ, वी आर मोस्ट वेलकम। जब y के पास x गया तो y ने बोला कि 9 है मेरे पास, तुम 8 हो, तुम छोटे हो मेरे से। तो x ने कहा कि मैं इससे भी मिलके जाता हूं, तो इसने कहा कि तुम बड़े हो मेरे से। तो पहले ही केस में, फर्स्ट केस में ना तो x संतुष्ट था और ना ही y संतुष्ट था। था क्या बताओ, पहली विजिट में, पहली विजिट किसकी थी, x की। x जब y के पहले मान से कंपेयर हुआ तो y ज्यादा, x पहला वाला x y के दूसरे मान से कंपेयर हुआ तो x ज्यादा। तो कभी वो ज्यादा कभी ये ज्यादा, माथा खराब कर दिया है। आंसर आएगा e, नहीं निकाल सकते। बात समझ में आई, आप नहीं निकाल सकते हो। क्यों, एक तरफ ही बहनी चाहिए हवा, तभी आपका रिजल्ट आ पाएगा। ऐसी लड़ाई में कहां होगा भाई। अगला प्रश्न के लिए तैयार हैं आप, अगर समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, अगला प्रश्न आप बेहतर करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। आइएगा, ऑप्शन ये लिख लेना साइड में, बार बार नहीं लिखूंगा। अगला प्रश्न, 2x² - 19x + 45 = 0, 2y² - 15y + 28 = 0। आप बताइए x और y में क्या संबंध होगा, बताइए सर, आप बता दीजिए। सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा, अब थोड़ा सा स्टाइल से उतरते हैं और फटाफट से रूट्स निकालते हैं। एक्स के क्या क्या मान होंगे सर, 45 × 2 = 90। हमने कहा था ना इसके कोफिशिएंट से गुणा करना है, यही तो बताया था उस दिन। तो 90 के ऐसे टुकड़े करो कि 19 आ जाए। तो बोले सर 10 और 9 जोड़ने पर, क्योंकि यहां प्लस है तो जोड़ने पर आएगा। तो यहां माइनस डोमिनेट कर रहा है तो यहां दोनों के दोनों चिन्ह क्या होंगे, प्लस होंगे और 2 का डिवाइड भी होगा। इसका आप उचित तरीके से ध्यान रखें, यानी कि आपके x के दो मान आ गए, एक तो प्लस का 5 और एक प्लस का 4.5। y पर आ जाते हैं, 28 × 56, 56 के आपको ऐसे टुकड़े करने दोस्त जिससे क्या आ जाए, 15 आ जाए। तो 8 और 7, यहां माइनस डोमिनेट कर रहा है तो यहां क्या होगा, प्लस होगा, बटे दो। तो वाई के दो मान आ गए, एक तो सर प्लस का 4 आ गया, एक प्लस का 3.5 आ गया। अब वही कंपैरिजन,
अब वही तुलना करते हैं। अब जब प्लस का 5 जाएगा तो बोलेगा मैं तुम दोनों से ज्यादा, बोले सर आपको 4.5 जाएगा इन दोनों से ज्यादा, तो जीता कौन, एक्स बड़ा हो गया वाई से। इक्वल टू का चक्कर ही नहीं है क्योंकि कोई मान बराबर था ही नहीं, तो एक्स बड़ा है वाई से, ऐसे कंपेयर कराना है। अभी थोड़ा स्लो मामला चल रहा होगा, इसकी मैं आपकी कद्र करता हूं, लेकिन स्पीड अपने आप आएगी, थोड़ा सा सब्र करिए और चीजों को पहले बनाना सीखिए, अपने आप बढ़ जाती है स्पीड। चलिए सर अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यूं रखा जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 42 बराबर शून्य, वाई स्क्वायर प्लस का वाई माइनस का 30 बराबर शून्य, आप बताइए क्या संबंध आएगा। तो आप तुरंत देखकर बता सकते हो इसे कि सर जो मूल होंगे, अगर यहां माइनस के चिन्ह आ गए दोनों समीकरणों में आ गए ना, तो आपके जो मूल होंगे वो अलग अलग चिन्ह के होंगे, यानी कि प्लस माइनस होंगे, हाँ या ना बोलो। अरे बोलो कि सर बात तो सही कह रहे हो आप कि जो मूल होंगे वो अलग अलग चिन्ह के होंगे, इस बात को ना तो कोई नकार सकता है ना कोई नकारेगा। तो फिर आंसर हमेशा सी एंड डी आएगा, यानी कि नहीं निकाल पाएंगे संबंध, डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर नहीं निकाल पाएंगे आप। मैं पूछूं क्यों नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपका चाहे ये कोई भी प्लस हो तो इस माइनस से ज्यादा है, और इसका ये कोई भी माइनस हो ये वाला प्लस ज्यादा है, तो जब दोनों के बीच में देख चिन्ह के साथ में ही लड़ाई शुरू हो गई तो आप संबंध कैसे निकाल पाओगे। आई बात समझ में? तो जब आपके दोनों समीकरण में कांस्टेंट के जो चिन्ह हैं वो नेगेटिव आ जाएं तो आपका आंसर तो 5 सेकंड क्या 1 सेकंड में बन जाएगा। क्लियर है? आइए चलो अगला प्रश्न। तुरंत बताइए क्या होगी कहानी। चलिए आपको पता है 48 के टुकड़े कर दिए सर मैंने 8 और 6, लेकिन यहां अगर प्लस का चिन्ह है तो यहां दोनों चिन्ह नेगेटिव होंगे। 90 के टुकड़े कर दिए 10 और 9, 19 आ रहा है जोड़ने पर, यहां प्लस है तो यहां माइनस होंगे। अब कंपेयर कराओ तो माइनस 8 जाएगा ये जीता, माइनस 6 जाएगा ये जीता, तो एक्स आपका बड़ा होगा वाई से। तुरंत तुरंत पता लग सकता है, तुरंत कैसे, माइनस 8 गया, अरे भाई माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, अरे क्या कंफ्यूजन है सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, माइनस का 8 जग गया दोनों से बड़ा है, माइनस का 6 तो माइनस 8 से भी बड़ा है, बस जीत गया, एक्स बड़ा वाई से। अगला प्रश्न आपके सामने, मजा आएगा, अभी रुको हर टाइप के प्रश्न कराऊंगा, है ना भाई, पूरी प्रैक्टिस बेहद आवश्यक। आइए एक्स स्क्वायर बराबर 25 है, वाई क्यूब बराबर 125 है, तो बताइए क्या होगा आंसर, बताते जाओ। अगला क्वेश्चन भी इतने में दे देता हूं। बताओ
तो सर ये जब आप देखते हो तो जब आपका एक्स स्क्वायर यहां पर है तो आपके एक्स के हमेशा स्क्वायर है ना, तो एक्स के हमेशा आपके दो मान निकल कर आते हैं, एक तो प्लस का पांच और एक माइनस का पांच। हमेशा याद रखना जब स्क्वायर है तो एक्स के दो मान निकल कर आएंगे, एक तो आपका प्लस का पांच होगा एक माइनस का पांच होगा। अगर वाई क्यूब बराबर 125 है तो केवल इसका एक मान निकल कर आएगा वाई का प्लस का पांच। आप कहोगे सर तीन आएंगे ना, मैंने कहा तीन आ सकते हैं, एक प्लस का पांच और प्लस का पांच ही होगा, फिर तीनों के तीनों पांच ही होंगे। अब कंपेयर करा लो, आ जाओ माय प्लस का पांच गया वाई से, बोला यार तुम तो बराबर हो भाई, वाई ने कहा बिल्कुल। माइनस पांच गया, बोला सर आप बड़े हो, तो आंसर क्या होगा y बड़ा भी है और इक्वल भी है x से, y बड़ा भी है और इक्वल भी है x से, ये आपका सही उत्तर होगा। भाई एक्चुअल में तो तीन मान होंगे क्योंकि y क्यूब है ना, तो कोई भी अगर तीन पावर लेके बैठी है तो उसके तीन मान होते हैं, द्विघात के दो मान होते हैं। ठीक है, मजा आया? तो गलती समझ में आ गई जिन लोगों ने की थी। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। 16 तिया 48, 48 के सर ऐसे टुकड़े कर दो, ऐसे टुकड़े कर दो कि 16 आ जाए। तो यार क्या करूं बताओ, 48 के ऐसे टुकड़े कर दो कि 16 आ जाए, क्या होगा बताओ? 8 और 6 16 और 3 नहीं, और 12 और 4, वाह आ गया ना 12 और 4, तो 12 और 4 ऐसे टुकड़े हो गए जिन्हें जोड़ने पर 16 आ गया। यहां माइनस है तो यहां प्लस होगा, बशर्ते आप ध्यान रखें कि 16 का डिवाइड भी करना है क्योंकि जब तभी आपके मूल निकल पाएंगे। तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, 3/4 यानी कि 0.75 और 1/4.25। तो आप ऐसे देख सकते हो कि सर एक्स के ये दो मान हमारे सामने आ गए प्लस में। हाँ अब 12 और 4 नहीं है, वो बटे 16 भी करना है, यही तो भूल जाता है बच्चा। और इसका क्या आ रहा है सर, y की वैल्यू 2 आ रही है प्लस में। अब भाई साहब y दोनों से बड़ा है, आया मजा? तो आना ही है वो, तो यार यही तो खेल है खिलाड़ियों का, सीखिए बस, एंजॉय करिए आप गणित को। अगला प्रश्न, एट एक्स स्क्वायर माइनस का 49x प्लस का 45 बराबर 0, 8y² माइनस का y माइनस का 9 बराबर 0। चलो आंसर देकर बताओ आप क्या संबंध होगा। आ जाओ भाई करो, चार क्वेश्चन जवाब देखते हैं आपके क्या आते हैं भाई साहब।
करें, चलो चारों करो फटाफट, फिर एक साथ ले लेंगे। आइए सर, अगर मैं आपसे बात कहना चाहता हूं 45 × 8 तो ये हो गया 9 × 8, मतलब 90 × 4 360। तो 360 के ऐसे टुकड़े कर दो 49 आ जाए, तो 40 और 9, क्या बात है यार, 40 और 9 प्लस प्लस, क्यों? क्योंकि यहां माइनस है ना, इसलिए बटे 8 भी करना पड़ेगा नियम अनुसार। अब 8 × 9 72 के ऐसे टुकड़े कर दो जिससे कि 1 आ जाए घटाने पर। तो मैंने कहा सर 8 और 9 आ रहा है ना 1, यस। यहां माइनस डोमिनेट कर रहा है तो प्लस वाला बड़ा होगा, माइनस वाला छोटा होगा, और बटे 8 तो करना ही है, यस। तो माइनस का 1 प्लस का 9/8, ये आ गई आपकी x की वैल्यू और ये आ गई आपकी y की वैल्यू। यहां तक आप संतुष्ट होंगे? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब देखो कंपैरिजन। अगर ये 5 है, ये 9/8 है, ये माइनस, तो 5 इधर जाएगा तो देखेगा कि भाई दोनों से बड़ा हूं, 9/8 इधर जाएगा तो बड़ा तो है बराबर भी है। तो आपका जो पहले का आंसर आने वाला है वो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y आएगा। क्या आप सभी लोगों का सही है तो कमेंट में यस लिख दो फटाफट। इसकी बात अगर मैं करना चाहूं आपसे तो x स्क्वायर बराबर 1849 इधर चला गया तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी? अब आप खुद बताओ इंटरवेल माध्यम से, इंटरवेल के हिसाब से 1849 कहां एग्जिस्ट कर रहा है? 40, 41, 42, 43, बताओ 43, और वो भी प्लस में और माइनस में, ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि x स्क्वायर के बराबर है, क्लियर? ये कहां एग्जिस्ट कर रहा है? सर देखो 3y² है और ये हो जाएगा कितना, 60, तो y² = 20, y = √20, वो भी प्लस माइनस में चला जाएगा, मतलब √20 हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ऐसी है कि इसका आंसर क्या दोगे आप, ये बताओ। अगर ये √20 प्लस माइनस में है तो इसका आंसर देने क्या वाले हो आप? यही आपके बड़ा सवाल है, मैं आपके कमेंट पे निगाह मार रहा हूं और आपके आंसर को मैं देखना चाहता हूं। तो भाई साहब कंपैरिजन करोगे तो प्लस माइनस आता है तो आंसर आएगा सी एन डी। अगर सही है तो बोल दें सर करेक्ट, 5 बड़ा होगा कि माइनस 1, बता दीजिए। ये तो तुम अपने पहली क्लास के अध्यापक से पूछ सकते हैं बात, 5 बड़ा होगा ना भाई, कैसी बातें करते हो यार। चलिए x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? x की वैल्यू यहां से 2 वैल्यू आएंगी, प्लस का 2 और माइनस का 2, सही बात है ना। और y की वैल्यू केवल और केवल आएगी प्लस का 2, क्यों? क्योंकि रूट कभी भी नेगेटिव नहीं देता, और 1 ही वैल्यू देगा क्योंकि पावर 1 है, वहां 2 है तो 2 वैल्यू आएंगी। अब प्लस का 2 यहां से कंपेयर कराएगा, बोले हम बराबर है भाई, बोले बहुत अच्छी बात है। माइनस का 2 आएगा तो वाई बड़ा है, तो वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, ये जवाब होगा। ठीक है, तो इसका जवाब होगा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। अब आते हैं इस पर, और इसके लिए लेते हैं अलग स्लाइड। ठीक है, मजा आ गया? कुछ छोटी छोटी बातें मैथ की समझ आपको दे रही होंगी,
कि यार ऐसे कंपैरिजन होता है भाई। बहुत बढ़िया, आइए एक्स स्क्वायर माइनस सेवन रूट सेवन एक्स प्लस 84 बराबर जीरो, वाई स्क्वायर माइनस फाइव रूट फाइव वाई प्लस 30 बराबर जीरो। अब आते हैं क्वेश्चंस। अब आप एक चीज प्लीज, ये मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं और आप सब लोग है ना इस चीज से घबरा जाते होंगे, और प्लीज सामने देखिएगा, है ना, चलिए है ना, प्लीज सामने देखें, बहुत मजा आएगा आपको। बड़ा छोटा चिन्ह नहीं मिल रहे थे, हाँ चलिए, थैंक यू सुनील, और पढ़ाई करते रहिए। मैंने पहले भी बोला था कि जीडी हो चाहे कोई भी हो, सारे एग्जाम के प्रश्न अगर आप पढ़ोगे तो क्लास से ही आएंगे, बस शर्त वही है। आओ मैं इस तरह के प्रश्नों को रूट निकालना पहले सिखाऊंगा आपको, क्योंकि आपको रूट निकालना ही नहीं आता होगा इतना मुझे पक्का भरोसा है, क्योंकि जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसे नहीं आएगा। आप कॉमन सेंस लगाओ कि यहां जो भी आपका बनता है वो गुणा होकर आता है या जुड़कर आता है। बस मैं एक लाइन खींच के ये पूछ रहा हूं कि यहां जो भी आता है ये गुणा होकर आता है या जुड़कर आता है, ये बताओ पहले फटाफट, जिससे आपका सेंस तो डेवलप होगा ना एक बार को, तो आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो आप ये कहेंगे कि भाई साहब कि यहां जुड़कर आता है, यानी कि जुड़कर आता है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको पता है कि अगर कोई भी चीज जुड़कर आ रही है तो वह लाइक सड्स होंगे, लाइक सड्स मतलब क्या कह रहे हो सर, हमने तो सुना ही नहीं। लाइक सड मतलब समजातीय, समजातीय करणी होगी, यस, समजातीय मतलब अगर रूट सात है तो ये कंफर्म है कि रूट सात दोनों रूट में होगा। एग्जैक्टली हाँ या ना बोलते जाओ, ये बात तो उचित है, सारी बातें बिल्कुल सही बात है। और चौरासी बनाना है तो चौरासी बनाने के लिए अब रूट सात आपने कंपलसरी कर दिया तो ये तो गुणा पर बनता है ना भाई, तो इन दोनों के गुणा से सात तो आएगा ही आएगा, तो 12 होना चाहिए जो इन दोनों में बटेगा, तो 4 और 3, क्यों, क्योंकि तभी तो 7 बनेगा। ये 12 कहां से आया सर, भाई जब रूट सात है उसका गुणा 7 बन रहा है तो 84 में 7 को हटा दो तो 12 बांटना है बस, जिससे 7 आ जाए, क्योंकि आपको यहां पर दो फैक्टर करने पड़ते हैं, एक तो अपरिमेय वाले और परिमेय वाले, बस मामला सेट हो गया। अब चिन्ह क्या आएगा, यहां माइनस डोमिनेट कर रहा है तो यहां प्लस और प्लस होंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, किसी को कोई परेशानी तो नहीं आई डियर। अब क्या यही काम आप मुझे यहां करके बता सकते हैं, हाँ, आपने यहां पर रिक्त स्थान लगाया, आपने कहा सर देखो यहां रूट पांच आ रहा है तो आपकी सजातीय होंगी, यानी कि रूट पांच तो होगा ही होगा दोनों में, तो पांच तो पहले से ही आ गया, तो पांच का भाग देके 6 बांटो जो 5 आ जाए, तो 6 को बांट दो 3 × 6 जिन्हें जोड़ने पर आ रहा है 5, क्या बात है, माइनस डोमिनेट कर रहा है तो दोनों ये प्लस प्लस होंगे। तो ऐसे प्रश्नों का ऐसे पहले तो फैक्टर करना सीखो, सीख गए हम भाई, खींच के लाइक वाइक करते रहा करो, ठीक है। अभी नहीं आया तो परेशान क्यों होते हो यार तुम लोग, परेशान ज्यादा हो, हाँ जबकि मुझे चाहिए ही नहीं परेशान वाला बच्चा होने वाला। तो आप मुझे बताओ सर फिर इसको कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर के लिए क्या करना होता है, आपको रूट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, रूट एक आपका एक होता है, रूट दो आपका 1.414 होता है, अप्रोक्सीमेटली भी आप ले सकते हैं, रूट तीन आपका 1.732 होता है, रूट चार आपका 2 होता है, रूट पांच आपका 2.236 ऐसे करिए मान लीजिए, रूट सिक्स रूट सेवन इनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वैसे अंतर 0.22 का चलता है कभी कभार और आप निकाल भी सकते हैं, तो रूट सिक्स अगर आप देखते हैं तो
रूट सिक्स हो जाएगा 2.44। रूट सेवन की अगर आप बात करते हैं तो रूट सेवन आपके पास हो जाएगा 2.6 ऐसे। तो कंपैरिजन करने के लिए आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो करीबन अगर आप रूट सिक्स रख रहे हैं 2.6 तो 26 चौके आपके सामने आ गया 104 यानी कि 10.4। 26 थी 78। रूट पांच 2.3 6.69। रूट पांच 2.2 4.4। कंपैरिजन कराओगे तो x आपका बड़ा होगा y से निश्चित तौर पर, वैसे भी बड़ा है वैसे भी बड़ा है। चलिए चलिए वैसे भी बड़ा है और वैसे भी बड़ा है। चलिए आइए सर ये रूट कैसे निकालते हैं वही सिखाया था। अगला क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप लोग जवाब देना उसका जवाब देना। ठीक है तैयार हो आप? यस या नो? अब मैं देखता हूं किस बच्चे के सही आंसर आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7√3x प्लस 36, लगाओ दिमाग। और वाई स्क्वायर माइनस 8√2y प्लस 31 बराबर 0। बताइए भाई रिलेशन बता दो क्या होगा इनके बीच में। चल ऐसा बोल रहा है बच्चा, चल चार शॉर्ट वीडियो का स्केड्यूल आज का दिखा रहा है, कल होगा भाई है ना। आज क्यों होगा, कल होगा। चलिए आया भाई आया। यूपीएससी स्टेट पीएससी क्लास नहीं हो रहा है, यही है वो, और सुबह हो रहा है ना, उसमें कवर कर लिया। वेल डन, बहुत बढ़िया भाई। जिनका भी राइट आंसर नो रिलेशन या फिर कांट बी डिटरमाइंड आ रहा है वही सही है, खेल गए भाई। मैं कहता हूं देखो सर रूट तीन और रूट तीन तो रख ही दो आप, क्यों? क्योंकि जुड़कर आएगा। अब यहां देखा आपने 12, अब 12 के ऐसे टुकड़े करो कि 7 हो जाए, तो बोले 4 और 3, यहां माइनस है तो ये प्लस हो गया। रूट टू और रूट टू को तो एक साइड रखना पड़ेगा। अब 2 आ गया 15, 15 के ऐसे टुकड़े करो कि 8 आ जाए, तो बोले 5 और 3। ठीक है, अब आप देख सकते हो 4√3 और 5√2, तो अगर 1.7 रखते हो तो 17 चौके 68 अप्रोक्सीमेट ले लो, और 17 51 तो 6.8 और 5.1, 1.4 × 5 करेंगे तो 7, 1.4 × 3 करेंगे तो 4.2, उससे इसको कंपेयर करा लो। ज्यादा वो ज्यादा ये ज्यादा CND. कभी वो ज्यादा कभी ये ज्यादा, ऐसे काम नहीं हो पाता। ठीक है भाई, निकाला ना आपने, हुआ ना आपसे। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कंपैरिजन, पूरा रिवाइज हो जाएगा, एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होगा परीक्षा में अगर आप कंपेयर की बात करें तो, क्योंकि ये 5 नंबर का आता है, 1-2 का नहीं आता। बताइए सर संबंध क्या होगा, फिर आगे चलेंगे अगले का टाइप की तरफ।
हाँ विनय मैंने चेंज करवा दिया, थैंक यू। आइए सर, अब देखो ये रूट एक्स है ना, तो वो एक्स की पावर 1/8, 15 में से 9 हो गया तो कितना होगा, 6, 6 रूट एक्स बराबर रूट एक्स, तो एक्स बराबर कितना आया 6। ये क्या है सर, वाई की पावर 10 और ये हो गया 6 की पावर 10, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 6। वाह, तो आंसर क्या होगा, इक्वल वाला ऑप्शन नंबर ई बोलेंगे आप, है ना, इसमें एक ऑप्शन जो आता है वो ई होता है, ठीक है, वही ऑप्शन आपको जवाब देना है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा वो बताइए आप। ई होगा, सी एंड डी कितने लोग आंसर दे रहे हैं, जितने भी दे रहे हैं उनका सबका रॉन्ग है। सही जवाब क्या है, y की पावर 10 बराबर 36 की पावर 5, ठीक है। आपके सामने क्या होगा कि जब आप इसको लिखेंगे तो आप इसको लिखेंगे y का स्क्वायर की पावर 5 बराबर 36 की पावर 5, 5 बेस घाते बराबर है तो बेस भी बराबर होंगे, तो y स्क्वायर बराबर 36, तो y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस का 6। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये आंसर हुआ। गणित देखो कितनी सी है, कहां घूम फिर के यही चीजें अभी आपको परेशान परेशान कर रही हैं, गलती हो जाती है, और यही मैं सिखा रहा हूं। ये आपकी बेस्ट क्लास है जिसमें छोटी छोटी चीजें, साइन मिस्टेक करना, कंपैरिजन में प्रॉब्लम होना, ये प्रॉब्लम आपको बड़े बड़े एग्जाम में आती है, सच बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो लगता सबको है ना, सबको लगता है वो, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा भाई, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है आज, और ये आपके लिए भी अच्छा मोमेंट है कि आप बेहतर सीख रहे हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं अपन आगे, आगे आते हैं, आगे चलें, आ जाओ। जैसे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यदि एक इरेशनल रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यदि एक इरेशनल रूट है एक्स प्लस रूट वाई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एक कॉन्जुगेट रूट, कॉन्जुगेट रूट को कहते हैं संयुग्मी, यानी कि जैसे ही आपको कोई अपरी में दे देगा तो आपको बोलेगा कि भाई इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, केवल आपको एक ही रूट देगा, वो एक ही रूट देगा आपको वो, ठीक है। केवल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एक इरेशनल रूट दे देगा, आपसे बोलेगा कि बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको एक अगला कॉन्जुगेट रूट बनाना है, संयुग्मी मूल बनाना है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, जो कि क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मूलों का योग गुणा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट मूलों का गुणनफल। बोलिए, चलिए
तो अब एक क्वेश्चन देता हूं कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान बताइए, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताइए जिसका एक रूट थ्री प्लस रूट टू है, बताइए तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। सर y की पावर 10 बराबर 6 की पावर 10 कर दे तो क्या होगा, ये जो कि गलत है, बस और कुछ नहीं होता इससे ज्यादा। कोई ये थोड़ी है कि भाई कोई ये भूत बन जाएगा तुम्हें डराएगा या फिर गलत हो जाता है बस। तो सही तरीका है वो सही तरीका सिखाया जा रहा है आप। चलिए तो क्या हम ये कह सकते हैं सर आपका इसका सेकंड रूट क्या होगा, सेकंड रूट यानी कि इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट रूट हो जाएगा थ्री माइनस रूट टू। कॉन्जुगेट बनाने के लिए कोई मंत्र वंत्र नहीं पढ़ने पड़ते भाई, सिर्फ और सिर्फ सच्चे मन से सच्ची निष्ठा से अगर प्लस है तो बीच में माइनस लगा दो और माइनस है तो प्लस लगा दो, खत्म। चलिए तो क्या करेंगे सर, एक्स स्क्वायर दोनों को जोड़ दो, माइनस तो है ही, माइनस फॉर्मूले में ही है, सिक्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नौ में से दो गए तो सात, तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सेवन। चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, अगर मैंने बोल दिया कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान निकालिए जिसका एक रूट चार माइनस दो रूट सात है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। सर आप जेई की मैथ पढ़ाओ ना प्लीज, अभी पढ़ा दूंगा उसको, है ना, चिंता ना करो। अभी मैं इस संडे तो एयर फोर्स वाई ग्रुप का पेपर सॉल्व कराने का विचार है मेरा, यहीं पर ही। वेल डन सर, दूसरा मूल क्या होगा, फोर प्लस टू रूट सेवन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर दोनों मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, सोलह में से चौदह चले जाएंगे। पता है ना ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ रहा है, सोलह माइनस अट्ठाईस बारह, ये आपकी क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, चीजें क्लियर हैं भाई, बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छे। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी बात सारी की सारी। आइए अगला प्रश्न, नेचर ऑफ रूट्स, हेडिंग डाल लो अलग अलग, नेचर ऑफ रूट्स। चलो नेचर ऑफ रूट्स तो हम कल पढ़ेंगे क्योंकि बड़ा बड़ा टॉपिक है, आज वो पढ़ा देता हूं आपको। हाँ मतलब जो अपना यहां पर कंप्लीट हो जाएगा वो चीज बता देता हूं, वो क्या है देखिए,
जैसे कि मैंने आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है ना, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, उसका जवाब मुझे देना। जैसे कि ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² प्लस का 6x प्लस का 5, और बोला जा रहा है कि अल्फा और बीटा इसके दो रूट हैं, ठीक है, ठीक है ना। अल्फा और बीटा क्या है, इसके दो रूट है डियर, ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप मुझे निकाल कर बताओ सर, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा। पहला क्वेश्चन इस तरह का बनता है, और पूरा अच्छे से सॉल्व करके बताना कि इससे हम अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं, मूलों का योग कैसे निकालेंगे। तो कोई द्विघात समीकरण है तो उसके मूलों का योग कैसे निकलेगा, माइनस का बी बाई ए, मूलों का गुणनफल सी बाई ए, ये बात आपको याद होनी चाहिए। सर इसका यूज ये देखो, अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो अल्फा प्लस बीटा और अपॉन अल्फा बीटा ही तो है ये जो निकालना है आपको, ठीक है सर। तो आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रख देंगे, बोलो सर माइनस का 2 और अल्फा इंटू बीटा 5/3, तो आपका जो राइट आंसर आ गया वो आ गया माइनस का 6/5। अब जो चीज मैंने यहां लिखी है ना अभी 1/अल्फा, अब ये बड़ी हो सकती है, बड़ी मतलब आपसे कुछ भी सॉल्व करवा सकता है वो, कुछ भी का मतलब कुछ भी। जैसे कि अगला एग्जाम्पल, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे रहा हूं x² माइनस का 2x प्लस का 1 = 0। मैंने आपसे बोला मुझे बताइए अगर इसके अल्फा बीटा दो मूल हैं तो अल्फा बीटा और बीटा अल्फा क्या होगा, बताओ। क्या करोगे वही काम, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग माइनस का बी बाई ए, मूलों का गुणनफल सी बाई ए, बस। अब ये क्या है सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब आपको पता है कि अल्फा बीटा के अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैसे निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही तो होता है वो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, बस ऐसे सॉल्व करते रहना है। तो ये 1 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2/1, तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, बताओ मजा आ रहा है। अब इस पर हम कल काम करेंगे, पूरा नेचर ऑफ रूट सीखेंगे और बहुत सारी चीजें और सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बताओ कैसी लगी ये खूबसूरत सी क्लास आप लोगों को, और कितना कुछ आपको सीखने को मिला है गणित की बारीकियों से। और ये सभी प्रश्न जो आप बना सकते हैं वो आप बनाइए, क्योंकि ये खूबसूरत से प्रश्न भी मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। हाँ चलो चलिए, तो बस सेशन को बहुत सारा प्यार देना ना भूलें डियर, लाइक करिए फटाफट से। और 12:30 बजे मॉक टेस्ट होगा, 19 नंबर, प्रॉफिट लॉस कल लास्ट है, परसों से रेशियो शुरू होगा। तो टॉपिक वाइज टेस्ट हमारा चल रहा है डेली सुबह 9 बजे, आते जाइए, पढ़ते जाइए और बेहतरीन चीजें सीखिए। मेरा हर एक सेशन मेरा बहुत कुछ सिखाता है आपको। दोपहर में 3 बजे एक मिक्स मॉक टेस्ट होता है, कितने लोग उसे देते हैं रेगुलर और कितने लोगों ने छोड़ दिया रेगुलर लेना, इसका रिजल्ट आपको पता चलेगा जब आपके एग्जाम नजदीक आएंगे। क्योंकि जो ये मेहनत चल रही है कंटिन्यू बेसिस पे, हर दिन अलग है। आप ये मत सोचा करो कि आप नहीं आओगे तो दुनिया नहीं पढ़ रही होगी, आप भी पढ़ोगे और दुनिया भी पढ़ेगी। अब आप कितना आराम से पढ़ोगे और आप दुनिया कितनी तेजी से पढ़ रही है उसका आपको अंदाज लगाना है। तो भैया पढ़ाई पर फोकस करो, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, डेली मॉक टेस्ट लगाओ, कुछ नहीं रखा घूमने फिरने में, डेली लगाओ लाइव आकर, ठीक है। सुबह 9 बजे टॉपिक वाइज, 11 बजे टारगेट द मैथ, 12:30 SSC GD, 2 बजे फाउंडेशन, 3 बजे कैच द मैथ, ये डेली का टाइम टेबल है। ये मेरा विगनर टू एक्सपर्ट फाउंडेशन बैच चलता है 2 बजे अनअकैडमी पर, एक नंबर बैच है, यहां पर आपको कोई टेंशन नहीं है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीजें पढ़ा रहा हूं। अनअकैडमी पर जाओ, ना केवल मेरी विषय मिलेगी,
जब सब्सक्रिप्शन आप ले लोगे तो 24 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ में आप अन्य सभी टीचर्स की क्लासेस भी एक्सेस कर पाओगे बाया साहिल 10 कोड लगाना है। और मेरे साथ जुड़ जाओ, पॉइंट्स को रिडीम कर लो और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, साहिल 10 कोड लगाकर आज ही जुड़ो मेरे साथ, क्योंकि अर्थमेटिक मेरी शुरू होने वाली है, उसमें अर्थमेटिक शुरू होने वाली है फाउंडेशन में, फिर शुरू से हम पढ़ने वाले चीजों को। तो जो भी विद्यार्थी आज जुड़ा है मौका ना गवाए, चलिए रेज हैंड फीचर सब आपको मिलेगा। अच्छा भाई कल फ्राइडे है, तो कल फ्राइडे है तो इस फ्राइडे को क्या बनाते हैं हम, जल्दी बताओ, इसको फ्राइडे को बनाते हैं सुपर। छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको आप, जिन्हें परेशानी होती है आप लोगों को, वो मैं सब कराता हूं 10-10 मिनट की वीडियोस में, ज्यादा समय भी नहीं जाता और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। पहला जो होगा 5 बजे होगा फ्राइडे की शाम को, बाकी जो टाइम टेबल है वो तो वही रहता है कचरा मैथ तक, उसके बाद की बात है। तो बस थोड़ा सा आपको कल समय निकालना है और इन खूबसूरत से सेशन से सीखना है। हाँ आता है, अच्छी बात है, सीखना है। 5 बजे होगा, ये जो होता है ना लैंड और वाटर के रेशो वाला और मोमबत्ती वाला कैंडल वाला भी प्रश्न हम करने वाले हैं, तो ये कल 5 बजे होगा। 5:30 बजे स्क्वायर रूट के कितने टाइप होते हैं पता है आपको, स्क्वायर रूट के जितने भी टाइप होते हैं, सिंपल स्क्वायर, नॉर्मल स्क्वायर रूट, घटाने पर, जोड़ने पर, भाग करने पर, डिवाइड करने पर, पॉइंट्स वाले सारे स्क्वायर रूट हम करेंगे एक ही क्लास में। तो इससे बेटर क्या होगा, एक छोटे से वीडियो में आप अपनी चीजों को रिवाइज कर जाओ, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो 5:30 पर कल फ्राइडे को, 6 बजे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस वाले प्रश्न, और 6:30 बजे कॉइन पर आधारित, सिक्कों पर आधारित, आपके जेब में कितने रुपए हैं ये बताएंगे कल अपन, जादूगर करते थे ना पहले, चलिए। तो ये सारी चीजें हैं, तो बस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और बहुत अच्छे तरह से पढ़ते रहिए। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।